नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। पटना के डाक बंगला चौराहे के निकट स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी में कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद तमाम कर्मचारियों को टेस्ट किया गया है, उनका जांच किया गया है और जो भी उनके संपर्क में आए हैं उनकी पहचान की जा रही है। लेकिन जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई कि उस कर्मचारी में कोरोना है, उसके बाद बैंक को सील कर दिया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से बैंक को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। सैनिटाइज किया जा रहा है डाक बंगला चौराहे स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा को। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से बैंक को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सैनिटाइजेशन जो है वह चल रहा है पटना के डाक बंगला चौराहे स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की। आपको बता दें कि पटेल नगर के रहने वाले हैं, जिस कर्मचारी में कोरोना पॉजिटिव मिला था उस कर्मचारी के नज़दीक जो लोग रहते हैं, जहां पर उनका घर है, वहां के आसपास के लोगों को भी क्वारंटाइन किया गया है और साथ ही साथ जो उनके ऑफिस स्टाफ है, करीब 40 स्टाफ है, उनकी जाँच भी की गई है। तो देखने वाली बात है कि उनके रिपोर्ट्स क्या कुछ आते हैं। लेकिन जो खबर है कि पटना के बैंक कर्मी के अंदर कोरोना पॉजिटिव मिला, उसके बाद बैंक को सैनिटाइज किया जा रहा है। बैंक को कल ही सील कर दिया गया था और तस्वीरों के माध्यम से फिर से हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें। देखिए किस तरीके से पटना के डाक बंगला चौराहे पर बैंक को सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के जो हालात हैं लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लगातार मरीजों की पहचान की जा रही है। बिहार में यह आंकड़ा 238 हो गया है। तमाम जिलों से खबर आ रही है, पटना में भी, पटना के खाजपुरा से भी लगातार मरीजों की पहचान की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार के हालात भी बदल रहे हैं, स्थिति बिगड़ती जा रही है। ऐसे में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क रहें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। बने रहें हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।